बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास इंटरप्रिटेशन। कल हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी, हमने कहा था कि जो प्रेशर है किसी भी गैस का, आइडियल गैस का, वो काइनेटिक एनर्जी के क्या है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आज हम टेम्परेचर का इसके साथ रिलेशन निकालेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे टी का मतलब है टेम्परेचर, आर है गैस कांस्टेंट, और एन हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स अगर डिवाइड करें तो नंबर ऑफ मोल बेसिकली ये होता है, वो अमाउंट होती है जिसमें एवोगैड्रोज नंबर के मुताबिक इक्वल एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं। ये बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रोज नंबर्स। इस फार्मूले को आप जनरल गैस इक्वेशन में पुट कर दें, पी वी इज इक्वल टू एन ओवर एन ए इंटू आर टी टी। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू होती है हमारे पास 8.314 जूल किलो पर मोल पर केल्विन। ये के किलो नहीं है, के केल्विन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, यानी हमने कहना है कि पी वी इज इक्वल टू एन को वैसे रहने दें, आर के नीचे एन ए को डिवाइड कर दें, यानी जनरल गैस इक्वेशन को कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक हो गया। इसकी कीमत है 1.38 क्रॉस 10 रेज टू पर -23 जाउल पर केल्विन। याद रखना, जाउल पर केल्विन। अगर किलो हो तो वो स्मॉल के होता है, और जो केल्विन होता है वो कैपिटल के होता है, ये याद रखना। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन के टी। इस इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन जो कल ड्राइव की थी उसके साथ क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है, यानी प्रेशर वाली जो इक्वेशन है उसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। प्रेशर वाली इक्वेशन आपने निकाली थी वो बनती थी पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा एन के टी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। ये एन हमारे पास एन से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, टेम्परेचर का निकाले थे ना हम, तो ये टी हमारे पास आ जाएगा 2/3। ये के इधर डिवाइड हो जाएगा के इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सारे टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अब ये बात में बता रही है कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गया है, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स हैं, वो हमने कंक्लूजन निकाल रहे हैं। हमने कहा था कि जो प्रेशर है हमारे पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। फिर हमने ये बात बताई कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। तो हमने कहा कि किसी भी कंटेनर के अंदर प्रेशर तब चेंज होगा जब हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे।
क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा तब कनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, और कनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियस बात है, जो कनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास जो होती है फंक्शन होती है वेलोसिटी का, ठीक हो गया। अब जब वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली बात है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है हमारे पास कंटेनर की दीवारों के साथ ज़्यादा टकराएंगे जी। जब ज़्यादा टकराएंगे कंक्लूजन बढ़ेगा, ठीक हो गया, सॉरी कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है। और जब कोलिजन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। अब हम ड्राइव करेंगे इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, हम बॉयल्स लॉ को भी ड्राइव करेंगे। अब बॉयल्स लॉ को जब ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि बॉयल्स लॉ में हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हमारे पास, और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये मेरे पास पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि ये चीज़ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ये बात पढ़ लिया है कि टेम्परेचर जो होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट जी। तो ये पी इज इक्वल टू कांस्टेंट जी ओवर वी वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये हमारे पास बॉयल लॉ कहता है कि जो हमारे पास प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के, वॉल्यूम। अब हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए चार्ल्स लॉ को भी करेंगे। अब चार्ल्स का कानून क्या कहता है, चार्ल्स का कानून ये कहता था कि हमारे पास जो होता है प्रेशर जो है इज कांस्टेंट। अब आपने वही फार्मूला पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन काइनेटिक एनर्जी जी, अब प्रेशर उधर ले जाओ तो ये वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू पी इंटू एन इंटू काइनेटिक एनर्जी जी। अब ये सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर, किसके टेम्परेचर, किसके किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कौन टेम्परेचर के। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के। यानी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया जी, पता चल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि काइनेटिक थ्योरी में जो टॉपिक्स हैं हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है इंटरप्रिटेशन, ऑफ टेम्परेचर, चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ, ये तीन टॉपिक हैं इसमें, ठीक है जी। जी, चलो।